बताएं जैन साहब। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी जो स्टॉक मैं ला रहा हूं, मैं पहले एक बार नाम बताने के पहले ये बोल दूं कि थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, तो बोलते ही नाम बोलते ही काफी चल जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, बट देन स्टॉक बहुत अच्छा है। जैसे कि आप हम होल्डिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो ये होल्डिंग कंपनी नहीं है, मगर आईटीसी इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, और वो है इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस। इनफैक्ट देखिए, इस स्टॉक को मैं दूसरी बार जेम्स में ला रहा हूँ। पहले नहीं लाता था क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं लगते थे। अब इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस मुझे बहुत बढ़िया लगने लगा है, और सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर पे देखिए, जैसा कि सरकार का भी जबरदस्त फोकस है, और जिस तरीके से रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज टूरिज्म जो बढ़ा है इंडिया में, और लोकल टूरिज्म पे डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये कंपनी और भी बढ़िया कर रही है। और आईटीसी जो अपनी एक अलग कंपनी है, रसल क्रेडिट ग्रुप कंपनी, उसके थ्रू इसमें शेयर होल्डिंग मेजरली होल्ड करती है, बट इनका भी ये चल रहा है कि आईटीसी और रसल क्रेडिट में शेयर ट्रांसफर। एनीवेज, इट्स अ आईटीसी ग्रुप कंपनी, हमें यही समझ के रखना चाहिए। और 63-64% करीब उन लोगों का स्टेक है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग में इन्वेस्टेड है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एट द सेम टाइम सेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया कर रहा है। पिछली बार जब दिया था तो बहुत ही जल्द ही टारगेट अचीव हुए थे, और देने के बाद ऊपर 740 तक गया वो, और वहां से करेक्ट हुआ, फिर वापस से बॉटम आउट हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके का इस सेगमेंट में जबरदस्त दम है, क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं कि आईटीसी ग्रुप अपने होटल्स को लेकर और टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी काफी फोकस्ड है। वो लोग वहां डीमर्ज करने की बात कर रहे हैं, और दूसरे होटल स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स में। ये एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है। और थोड़ा सा बता दूं इस कंपनी के बारे में, थोड़ा सा कार रेंटल्स, बिजनेस ट्रैवल, माइस, यानी जो एग्जीबिशंस और ये सब, माइस मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स एंड इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सब में क्लाइंटील बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इंफोसिस, रिलायंस, फेसबुक, एप्पल, इन टाइप के कंपनीज इनके क्लाइंट है। और अच्छा खासा नेटवर्क है, अराउंड 19 सिटीज में इंडिया का ये लोग का नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क। ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है क्रेडिट रेटिंग कोई दोहरा है ही नहीं, बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट इनके जो फंडामेंटल्स वो बहुत बढ़िया, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 75% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है। और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट में, पिछली बार अक्टूबर में दिया था, तो सितंबर के रिजल्ट देख के दिया था, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, और TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है कंपनी। तो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए इन लेवल्स पे। हालांकि बोलते बोलते काफी तेज भी हो गया मुझे मालूम है, बट 770 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप रहे यहां पर खरीदारी के साथ। इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस ये है आपके लिए स्टॉक, आईटीसी की सब्सिडी, पहले भी दिया हुआ है जिन साहब ने बताया। जिन साहब पहले कितनी बार दिया है? पहली एक बार अनिल जी, और मैं इनफैक्ट बहुत सालों से स्टॉक को ट्रैक करते हुए आ रहा हूँ। इनफैक्ट 2012-13 में भी, 2018 में भी बात की है, बट जेम्स साहब के जेम्स में मैंने 19 अक्टूबर 2023 को दिया था, और तब 400 रुपए की रेट थी, 450 का टारगेट, और वहां से 740 गया, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप काफी चले और थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो अब ये अच्छा मौका मिला हमें कि एंट्री वापस से ली जा सकती है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल, ये मतलब 16 के पी मल्टीपल पे मुझे बहुत सस्ता लगता है, मतलब आईटीसी ग्रुप की कंपनी और ऐसी ब्रांड के साथ और ऐसी क्लाइंटेल के साथ है, तो आई डोंट थिंक इसमें कहीं डरना चाहिए। यहाँ पे भी ले सकते हैं, नीचे आने पे तो बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करें, ये राय जैन साहब की तरफ से। 770 का टारगेट इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस, सुमित जी के लिए बिल्कुल।